चार पंगे लेके बैठे हैं, बट एक्चुअली क्या है कि ये जो सिक्किम है वो सबसे लास्ट भारत का अंग हुआ है 1975 में। सबसे दो चार बातें ऐसे हैं कि जो कभी नहीं सुलझ रहा था, मतलब कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड हमारे जो लोगों के थे उनमें से था ये सीट रिजर्वेशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार था हमारे लोगों के लिए, वो नहीं हुआ है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। बट द वर्स्ट थिंग इज कि अब ऐसा हो गया कि कोई कानून नाम का चीज़ ही नहीं है सिक्किम में। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारा जो 25 साल का जो मुख्यमंत्री है उनके जेब से जो कानून बनाते हैं वही चल रहा है। ऐसे कि मतलब मैं आपको उदाहरण दे दूँ, ये CAG रिपोर्ट जो होती है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का होता है, बट एक्चुअली वो CAG रिपोर्ट में इतना मतलब चीज़ें लिखा हुआ है बट सिर्फ कोई एक्शन नहीं होता उसके। क्या हो रहा है कि मतलब हमारे जो मतलब हम तो राजतंत्र से आए हैं, ये प्रजातंत्र में, तो जो प्रजातंत्र मतलब कानून के आधार पे चलता है देश और कानून के ऊपर एक आस्था होता है लोगों का, वो आस्था अब हट रहा है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको थोड़ा सीरियसली देखे और आगे जाके मतलब कि जो प्रजातंत्र का प्रणाली जो सिक्किम में चल रहा है उसको अगर बचा के रखना है तो अभी है कि CBI ये भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमने एक इशू उठाया है, ये CBI का एक केस मतलब कि होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये पहले से चल रहा है बट हुआ कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपको बताया, CAG रिपोर्ट ने कम से कम 15 सालों से लिख रहा है बट होता कुछ नहीं। तो मतलब कि इसीलिए हमारे लोगों का आस्था ही हट रहा है ये कानून के व्यवस्था के ऊपर। तो आज के दिन में हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको वो करके सीरियसली लेके हमारे यहाँ ये भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाए। और CBI का एक खुद उन्होंने एक केस बना चुके हैं और दे वांट परमिशन, और वो परमिशन हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने रोक दिया है क्योंकि मिस्टर चामलिंग हिमसेल्फ जो मुख्यमंत्री है वही दोषी बनाया हुआ है वो केस में और वही इसको रोक रहा है। तो दिस इज़ नॉनसेंस। मैंने यही हाँ जी हमरो सिक्किम पार्टी उसे हम जोड़े हुए हैं और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं या भाई जी, और हम लोग आए हैं कि मतलब केंद्र सरकार का आँख खुलते मतलब संभव हुई ओपन दे आई ये बात। अगर ये आप जो कह रहे हैं वो पूरा नहीं होता है या आपके जो आप आगे रख रहे हैं नहीं, देखिए आज तक 45 साल में कुछ हुआ तो नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। पर ये हम क्या चाहते हैं कि जो पुराने जो ये मतलब इस टाइप का जो इश्यूज हैं जो इनको निपटा सकते थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 371F है जो कि सिक्किम के लिए अलग से लिखा हुआ है, तो जो आर्टिकल 371F में लिखा है आप उसको तो पहला कराइए, जब उसको भी आप कुछ नहीं करते हैं और ये इसको मतलब लटका के रखते हैं आप 40 साल 45 साल, तो मतलब लोगों का आस्था सही में ही हटने लगता है कि मतलब ये प्रणाली से तो ये नहीं करते करप्शन के लिए। तो देखिए हम लोग आए हैं फर्स्ट टाइम, हाँ जी, क्योंकि करप्शन के ऊपर क्या हो रहा है कि लोग भी बोलना छोड़ गए क्योंकि कुछ भी हो कुछ नहीं हो रहा था, मतलब कि वो केस बनाते जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होता है, तो इस करके ये हम नहीं करते। अगर आपकी पार्टी तो हमारे पार्टी अगर लोगों ने मतलब वोट दे के हमको जिताया तो सबसे पहला तो हम ये जो ये सीट का झमेला जो सिक्किम में है जो लिम्बू तामंग एक कम्युनिटी का सीट का है और हमारे नेपाली स्पीकिंग लोगों का भी जो सीट का बात है और जो 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है सिक्किम में जिनको ट्राइबल बनना चाहिए था आज तक नहीं दिया है। इसको तो पहले बनने के लिए हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, आधा को मिल चुका है आधा को नहीं मिल चुका है, तो ये हम चाहते हैं कि इसको सुन जाए।